हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल सेल्फ़ ग्रूमिंग टिप्स के बारे में शेयर करूँगी, जिसमें मैं आप लोगों के साथ हेयर केयर, सेल्फ़ केयर, बेसिक मेकअप एंड इंटरनल हाइजीन एंड फिज़िकल ग्लो अप के बारे में शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हेयर केयर की बात की जाए तो उसमें जो बेसिक स्टेप होता है वो होता है हेयर ऑयल। आप एटलीस्ट वीक में एक दफ़ा हेयर ऑयलिंग कर लिया करें, क्योंकि जिस तरह से आपको पता है कि अभी समर्स चल रहे हैं तो गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि आपके बाल ड्राई हो जाते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं, तो उसके लिए हेयर ऑयलिंग मस्ट है। इसके अलावा आप अच्छा सा शैम्पू और कंडीशनर तो मस्ट यूज़ करो। इसके बाद भी अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, सो उसके लिए आप हेयर वॉश जब आपने किया हो उसके बाद आप कोई भी हेयर सीरम लें और अपने बालों की लेंथ में अप्लाई कर लें। इसके बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप कोई भी हेयर सीरम ले सकते हैं तो इससे आपके बाल नए ड्राई होंगे, फ्रिजी होंगे, बहुत अच्छे से शाइन आ जाएगी और आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे। बिल्कुल ड्राई और रूखे बाल होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। सो अब मैं आप लोगों के साथ कुछ ड्रेस इनको शेयर करूँगी। होप यू लाइक इट। आप समर्स में हैवी ड्रेसेज एंड डार्क कलर्स पहनने से अवॉइड किया करें, डेली रूटीन में आप पहनने से अवॉइड करें। फ्लोरल प्रिंट पहने, से कोई पहन लें, उनके पर कुछ हल्की फुल्की से डिजाइनिंग करवा लें, बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं और इससे आपके लुक काफी इनहेंस हो जाती है और आपकी लुक इतनी डिसेंट सी आती है ना। उस तरह के ड्रेसेस पहने जो कि आपके बॉडी टाइप के ऊपर सूट करते हैं, आपके ऊपर सूट करते हैं। इस तरह के कलर्स पहने जो कि आपके ऊपर सूट करते हैं, इससे लुक ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है और आपकी बहुत ही डिसेंट सी लुक आ रही होती है। बाद में आप लोगों के साथ बहुत ही बेसिक एंड मिनिमल से स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी। मैं आप लोगों को ये नहीं कहूंगी कि आप लोगों के बहुत ही कोई ज्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट्स होने चाहिए, नहीं। आपके पास बहुत ही मिनिमल सी फर्स्ट फेस वॉश, सेकंड टोनर एंड थर्ड सनस्क्रीन होनी चाहिए, दैट्स इट। मुझे पता है बहुत ज्यादा अगर आप बिगिनर्स हैं तो बहुत ज्यादा टफ हो जाता है बहुत ज्यादा स्किन केयर के प्रोडक्ट्स को फॉलो करना, तो मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मिनिमल से स्किन केयर शेयर करूंगी। तो सबसे पहले फेस वॉश, मैं आप लोगों को बीबीए ब्यूटी फाइव आमना का भी फेस वॉश रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि आपके स्किन को विटामिन सी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप फेस वॉश यूज करना चाहते हैं या क्लिंजिंग यूज करना चाहते हैं, जो भी आप यूज करना चाहते हैं आप इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। इसके बाद आप टोनर भी यूज करें। टोनर अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप रोज वाटर यूज कर लें। रोज वाटर भी बहुत ज्यादा अच्छा है, यह आपके फेस को रिफ्रेशिंग लुक देगा, आपके फेस इससे हाइड्रेटिंग रहेगा और ऑटोमेटिकली आपके फेस के ऊपर ग्लो आ जाएगा। सो इसके बाद इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, थर्ड स्टेप पे आपको सनस्क्रीन या सन ब्लॉक अप्लाई करना चाहिए। मैं आपको रिवाज का नहीं रिकमेंड करूंगी क्योंकि मैंने आपको रिव्यू देना था, लेकिन अभी मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रही रिवाज का सनस्क्रीन, क्योंकि मैंने इसकी ऑल प्रोडक्ट्स का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करना था, सो इसलिए मैं अप्लाई कर रही थी। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ अपनी बेसिक मेकअप रूटीन शेयर करूंगी, जो कि हर टीनेजर इजीली कर सकता है उसको। सो अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, आप ऑफिस गोइंग हैं, सो ये अगर आप मेकअप रूटीन अप्लाई करेंगे तो इससे आपकी लुक बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगी और आपकी लुक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। सो सबसे पहले आपके पास कोई भी बीबी क्रीम या फिर कंसीलर होना चाहिए। मेरे पास यहाँ पे मिस रोज की है, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो आपको अपने डार्क स्पॉट्स को हाइड करना है या फिर आपको अपने अंडर आई को कंसील करना है तो उसके लिए आपके पास कंसीलर होना चाहिए या फिर आप बीबी क्रीम भी यूज़ कर सकते। सो आपके शेड का होना चाहिए, अगर बीबी क्रीम आप ले रहे हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपके शेड की होनी चाहिए। अगर आप कंसीलर ले रहे हैं थोड़ा सा आपके कलर से डार्कर होना चाहिए कंसीलर। के बाद बात करते हैं मस्कारा के ऊपर। अगर आपने कुछ लगाया हो या ना लगाया हो, अपकारा लगाया हो तो आपकी वैसे ही डिसेंट सी लुक आ रही होती है, काफी नीट लुक आ रही होती है। सो मस्कारा कोई भी आप ले सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे O2O का है, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा अगर आप कोई भी यूज करना चाहते हैं सो आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप जो यूज कर रहे हैं वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा तभी आप यूज कर रहे हैं। सो इसके अलावा आपके पास कोई भी टिंट या लिक्विड ब्लश होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ब्लश होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये वाला बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है,
मैं आप लोगों को कहूंगी कि जो भी पिगमेंटेड होते हैं उनको आप अपने हाथ पे पहले लगा लें, उसके बाद फिंगर से अपने चीक्स के ऊपर अप्लाई करें, और अगर आपकी स्किन अच्छे तरीके से प्रेप होगी तो आपकी स्किन के ऊपर स्टेन वो नहीं छोड़ेगा। अगर आपकी स्किन अच्छे तरीके से प्रेप नहीं होगी तो आपकी स्टेन छोड़ जाएगा। सो इसके बाद मेरे पास यहाँ पे लिपस्टिक्स हैं, आप कोई भी लिपस्टिक यूज कर सकते हैं। आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग लिपस्टिक चूज करें, वो बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। जिस तरह की आपकी स्किन टोन है आप उसके अकॉर्डिंग चूज करेंगे तो इससे आपकी लुक काफी इनहेंस होगी, अट्रैक्टिव लगेगी, बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। सो मेरे पास यहाँ पे दो न्यूड शेड हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। ये मतलब गर्मियों में तो काफी न्यूड न्यूड शेड अच्छे लगते हैं। मैं नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूंगी ज्वेलरी आइडियाज की, किस तरह की आपके पास ज्वेलरी होनी चाहिए। तो मैंने आपके सामने ये ज्वेलरी रखी है, बहुत ही आपके पास मिनिमम सी या माइनर सी आपके पास ज्वेलरी होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा बहुत ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए आपके पास। सो ये मेरे पास चेन है, अगर आप चेन्स पहनते हैं, आपको चेन्स का शौक है तो आपको ये बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। ये टी शर्ट्स के ऊपर, कुर्तों के ऊपर ये काफी ज्यादा अच्छी लगती हैं, इस तरह की चेन्स। और इसके बाद बात करते हैं ब्रेसलेट्स की, तो ब्रेसलेट्स आपके पास कोई भी सिल्वर या गोल्डन होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा ये आपकी पर्सनैलिटी को इनहेंस करते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि जो चीज आपकी पर्सनैलिटी पे सूट करती है वो आप पहने, जो आपकी पर्सनैलिटी को इनहेंस करती है वो आप पहने। और इसके बाद बात करते हैं स्टड्स की, जो कि आपके पास होने चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी को काफी ज्यादा इनहेंस करते हैं। आपको रिकमेंड करूंगी कि आपके पास ये होने चाहिए और आपने डेली वेयर ये काफी ज्यादा अच्छे लग रहते हैं। और इसके बाद बात करते हैं रिंग्स की, जो कि ऑलमोस्ट सब गर्ल्स की बहुत ज्यादा फेवरेट होती हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। बात करते हैं वॉचेस की, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हैं। आपके पास कोई बहुत ही ज्यादा वॉचेस नहीं होनी चाहिए, आप कोई भी एक अच्छी सी वॉच पे इन्वेस्ट कर लें, वो फिर आपके लॉन्ग टर्म चलती रहेगी। आपके पास कोई भी सिल्वर, गोल्डन या ब्लैक कलर की वॉच होनी चाहिए, जो कि आप अगर वर्किंग वुमेन हैं, आप कॉलेज गोइंग हैं, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, आपकी लुक इससे इंस्टेंटली चेंज हो जाती। करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, अल्लाह हाफिज।